how are you? Now the exam is going on near to near to you and there are two types of questions: MCQ questions and descriptive questions. In descriptive questions you have to write the answers in your notebook and take its photo, convert it into PDF and then it sent to your teacher. So in this video we should write... Or practice the question in this way that you should how should we write the answer? How should we write the answer? This is a blueprint for the lesson number 9, 11, 13, and 14. There are two marks. Lesson number 10, 4 marks, and lesson number 12, 3 marks. Keep in mind that this is for the only KV2 and other schools, it may change, it may vary for one or two marks. थोड़ा आगे पीछे बच्चों इसमें हो सकता है तो फटाफट इस वीडियो के लिए कैसे काम करना है आपको लाइक करना है शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना है अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करना है चलिए अब एक एक क्वेश्चन देखते हैं कि उसको एग्जाम में नोटबुक में कैसे लिखना है ताकि आपको आउट ऑफ मार्क मिले पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ डीप ड्राॅइंग फॉर द फॉलोइंग फ्लोर मैप एक फ्लोर मैप आपको दिया गया है ऐसा कोई ना कोई फ्लोर मैप दिया जाएगा आपको इसको डीप ड्राइंग बनानी है अब डीप ड्राइंग और फ्लोर मैप का मतलब समझिएगा फ्लोर मैप होता है एक जनरल हमारे पेपर पे बनाया जाता है कि क्या चीज़ कहाँ पर होगी घर बनाने से पहले इसको बनाया जाता है लेकिन घर बनने के बाद कैसे दिखेगा वो हमें डीप ड्राइंग... बनाई जाती है कि थ्री में हमारा घर कैसे दिखेगा तो याद रखना है सारी चीज़ें कहाँ हैं ये विंडो यहाँ पर है यहाँ पर एक विंडो है ये डोर है यहाँ पर एक विंडो है यहाँ पर एक विंडो है और चीज़ें याद रखनी है ये जो प्लॉट है ये घर जो बनाया गया है दोनों तरफ से छोटा किया गया है इसको ध्यान रखना है एक एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर विंडो लेफ्ट साइड में एक कॉर्नर के बाजू में है देखिए ये विंडो यहाँ पर कॉर्नर के बाजू में है ये हमारा थ्री डी जैसे घर देखिए ये दोनों तरह से छोटा हो गया है यहाँ एक विंडो है यहाँ डोर है यहाँ विंडो है कई जगह आपको आपको अगर कंफ्यूज करने के लिए ये विंडो नीचे दे देते हैं या ये जो पीछे वाले विंडो इसको आगे दे देंगे तब तो गलत हो जाएगा अगर एम सी क्यू चॉइस में इस तरह के देते हैं रिटर्न में आपको ऐसा होगा नहीं तो आपको ध्यान रख के ये विंडो बैक साइड बनानी है ये विंडो सेंटर में डोर यहाँ पर और ये घर दोनों तरह से छोटा करना है और जो तो पीछे भी इधर विंडो है लेकिन वो दिख नहीं पाएगी क्योंकि हम उस तरह से घर नहीं बना पा रहे हैं तो टू में हमें लिमिटेशन है या थ्री में जो पेपर में बना रहे हैं तो ये सब एक बढ़िया डिप ड्राॅइंग इसकी ऐसी बन सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स ये फॉलोइंग जो डेसिमल्स होते हैं नंबर नेम्स में या नंबर नेम्स डेसिमल में ये एम में, में भी और ये रिटर्न में भी पूछने की पूरी संभावना है देखिए पहला जो डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर्स होते हैं ना उसको नॉर्मल तरीके से लिखना है यहाँ वन एट एटीन है तो हम यहाँ एटीन लिखेंगे पॉइंट की जगह हम एंड लिख सकते हैं एंड आगे जो दो वर्ड्स या तीन लेटर जो भी होंगे उसको लिखना है फाइव सिक्स और लास्ट डिजिट है उसकी आपको लिखना है सिक्स हंड्रेड आ गया यहां देखिए सेकंड जिसे एक एक क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट वाले में अब ऐसे पढ़ते तो है जीरो पॉइंट जीरो टू पहला जीरो लिखा पॉइंट के लिए एंड लिखा दूसरा जीरो भी लिखा टू भी लिखा और उसके लिए हमने हंड्रेड लिखा बच्चों नंबर्स नंबर नंबर्स नेम लिखने के दो तीन तरीके हैं एक तरीके से मैंने लिख के दिखाया है आपको अलग तरीके से आता है तब भी आप इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा बड़े से छोटा तो यहाँ पे डिसेंडिंग करना है डिसेंडिंग मतलब जो बड़ा नंबर है वो पहले लिखना है छोटा नंबर हमें बाद में लिखना है अब नंबर बड़ा हो या छोटा हो डेसिमल में कैसे डिसाइड करना है तो आपको बच्चों क्या करना है डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको देखना है डेसिमल के लेफ्ट में टू है यहाँ पर ट्वेंटी वन है यहाँ ट्वेल्व है यहाँ वन है यहाँ जीरो है तो हमें राइट right, डेसिमल के राइट right साइड देखे बिना ही हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं अगर डेसिमल का लेफ्ट साइड सेम होगा तो हमें राइट right साइड में देखना पड़ता है तो यहाँ देखेंगे ट्वेंटी वन बड़ा है तो ये फ्रैक्शन आ गया उससे छोटा ट्वेल्व वाला है उससे छोटा टू उससे छोटा वन अंड उससे छोटा जीरो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जिसका लेफ्ट साइड सेम हो वंस टेंस वाला जो पार्ट है अगर सेम है तो आपको राइट right साइड में देखना है अब राइट right साइड में यहाँ पॉइंट थ्री है यहाँ पॉइंट थ्री है उसके बाद यहाँ पर पॉइंट थ्री के बाद टू है यहाँ फोर है तो याद रखिएगा ये टू छोटा है फोर बड़ा है और इसी के लिए ये जो नंबर है ये वाला नंबर बड़ा हो जाता है एंड ये वाला नंबर जो है वो छोटा हो जाता है तो आपको भी समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से करना है पहले आपको कंपेयर करना है लेफ्ट साइड अगर वो है सेम है तो राइट साइड राइट साइड में पहला डिजिट देखो दोनों सेम है फिर दूसरा डिजिट देखो सेकंड डिजिट हंड्रेड प्लस वाला जिसमें जो छोटा होगा वो नंबर छोटा जो बड़ा है वो नंबर बड़ा इस तरीके से आपको उसको डिसाइड करना है नेक्स्ट वन इफ़ पेरीमीटर इक्वल टू थर्टी फाइव सेंटीमीटर फाइंड ए बी बच्चों मिसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है और मिसिंग लेंथ के लिए फार्मूला आपको याद रखना है वो इस तरह से है मिस लेंथ ऑफ ए बी मतलब मिसिंग लेंथ पेरीमीटर माइनस एडिशन ऑफ ऑल द साइड लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस एडिशन ऑफ ऑल द साइड ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है पेरीमीटर थर्टी फाइव तुमने लिख लिया एडिशन ऑफ ऑल द साइड फाइव सिक्स सेवन एट बच्चों थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा है ताकि वो सीक्वेंस में आ जाए और आसानी हो जाए इसको प्लस इसवल टू इलेवन सेंटीमीटर यह फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखने से आपको मार्क्स भी मिलेंगे और आंसर भी गलत नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये पिक्टोग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है अगर आप ध्यान देते हैं तो एक पिक्टोग्राफ का मतलब है फिफ्टी आई रिपीट वन पिक्टोग्राफ शोज द फिफ्टी तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं एक्चुअल ये बच्चों है स्टूडेंट्स uh, स्कूल कैसे आ रहे हैं इसका ये पिक्टोग्राफ है ऑन फुट कैसे आ रहा है कितने बच्चे आ तो थे वन टू थ्री फोर ए का मतलब फिफ्टी टू हंड्रेड है ऑन बाइसिकल थ्री हंड्रेड है क्योंकि सिक्स है यहाँ पर बाय कार हंड्रेड बाय बस फोर हंड्रेड यहाँ जगह ने मैंने इसलिए दिया इधर पर बाय टू व्हीलर टू फिफ्टी तो इस तरह से हमने डेटा जमा कर लिया कि कितने बच्चे साइकिल पर आ रहे हैं कितने टू व्हीलर पर कितने बस में कितने बाइसिकल में एंड कितने फुट पर मतलब पैदल चलते हुए आ रहे हैं अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं आंसर भी लिखना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज स्कूल बस तो स्कूल बस में कितने हैं यहाँ दिख रहा आपको है आपको स्कूल बस ये तो बस में फोर हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं अगर ये डेटा आपने सही जमा कर लिया तो आपको आंसर लिखना है एक मिनट का काम है सो फोर हंड्रेड स्टूडेंट्स यूज स्कूल बस सेकेंड क्वेश्चन विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज बाय टू फिफ्टी स्टूडेंट्स ढाई सौ बच्चे किस में आ रहे हैं टू फिफ्टी बच्चे किस में आ रहे हैं देखिए जरा टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड हंड्रेड फोर हंड्रेड टू फिफ्टी तो टू व्हीलर में आ रहे हैं बच्चों टू फिफ्टी बच्चे तो उसको कैसे लिखेंगे टू व्हीलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाई स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देर इन ऑल इन द स्कूल अब यहां पे पूछा गया है कि स्कूल में कुल मिला के कितने बच्चे हैं तो हमें सबको प्लस करना है टू प्लस थ्री फाइव फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस टू ट्वेल्व ट्वेल्व उाइल इन द स्कूल लास्ट क्वेश्चन है बच्चों वैल्यूम ऑफ क्यूबर्ड एक क्यूबर्ड दिया है इसके लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है और याद रखना तीनों के तीनों पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल करना है बस आपको पॉइंट सही तरीके से देना है पहले लिखो वैल्यूम ऑफ क्यूबर्ड फार्मूला लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है वरना मार्क नहीं मिलेंगे फार्मूला लिखा पहले दो का मल्टीप्लाई किया सिक्सटीन पॉइंट एट आया फिर उसको टू पॉइंट वन के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर आया थर्टी फाइव पॉइंट एट फाइनल आंसर लिखना बहुत जरूरी है बच्चों तो वैल्यू ऑफ द क्यूबॉीज़ थर्टी फाइव पॉइंट ट्वेंटी एट क्यूबिक सेंटीमीटर ये आंसर लिखेंगे नहीं लिखेंगे या इसका यूनिट नहीं लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स कम मिलेंगे चलिए बच्चों इसको वीडियो को कम से कम दो तीन बार लिखिए इस तरह क्वेश्चन खुद बनाइए खुद सॉल्व करिए अपने दोस्तों को दीजिए और बढ़िया से आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करिए इसको नोटबुक में जरूर एक दो बार लिखना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना है